बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो केमिस्ट्री का लेक्चर है, चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का, वो है एडिशन ऑफ एचसीएन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ एचसीएन यानी हाइड्रोजन साइनाइड। एचसीएन का मतलब होता है हाइड्रोजन साइनाइड, यानी हमने हाइड्रोजन साइनाइड ऐड करवाना है। एडिशन मतलब ऐड करवाना है, किसके अंदर ऐड करवाना है, एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम ही यही है। अब एल्डिहाइड या कीटोन्स वो हमने पहले लेक्चर में पढ़ लिया कि क्या होता है। उसका जो फॉर्मूला है एल्डिहाइड या कीटोन्स का, दोनों में से जो भी ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे हमने ये एल्डिहाइड लिया है, अब हमने एल्डिहाइड के अंदर ऐड करवाना है एचसीएन हाइड्रोजन साइनाइड को। अब वो कैसे ऐड करवाना है, ये एक एल्डिहाइड की एक किस्म है जिसको हम कहते हैं फॉर्मा एल्डिहाइड। अब इसके अंदर एचसीएन ऐड करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ एनएसीएन सोडियम साइनाइड एंड एचसीएल हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मौजूदगी के अंदर। ये होते हैं कैटालिस्ट, कैटालिस्ट ये हमारे पास कैटालिस्ट है, इनकी मौजूदगी के अंदर हमने HCN को एल्डिहाइड या कीटोन के अंदर ऐड करवाना है। अब H को हमने लिख लिया एक साइड पे सेंटर में बॉन्ड और साथ में साइनाइड CN लिख दिया। H को अगर हमें पता है पॉजिटिव चार्ज होता है, CN के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। अब हमने जब इन दोनों को इसके अंदर ऐड करवाया तो CN नेगेटिव कार्बन के साथ अटैच होगा, क्योंकि कार्बन के ऊपर होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो जिसकी वजह से हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। अब जब ये दोनों इसके साथ अटैच होंगे तो ये वाला बॉन्ड एक, ये इसका बॉन्ड ये टूटेगा, इसका बॉन्ड ये टूटेगा, तो ये HCN इसके साथ अटैच हो जाएगा, OH इसके साथ अटैच हो जाएगा। इसका अभी एक बॉन्ड टूटा है, एक बॉन्ड C डबल बॉन्ड O का, एक बॉन्ड टूटा है, एक बॉन्ड साथ है, तो हमारे पास मॉलिक्यूल क्या बनेगा, कार्बन सेंटर में एक हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन ये वाला हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये O और ये H एक साइड पे, CN इन दोनों का मॉलिक्यूल का बॉन्ड टूट गया और CN जो है वो कार्बन से अटैच हो गया, जिसको अब ये साइनाइड CN ग्रुप को हम कहते हैं साइनाइड। इस वजह से पूरे मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा फॉर्मैल्डिहाइड सियानोहाइड्रल। अब दूसरे नंबर पे हमने ऐड करवाया है एसिटाल्डिहाइड, पहले में फॉर्मैल्डिहाइड ऐड करवाया, दूसरे में हमने एसिटाल्डिहाइड में ऐड करवाना है HCN को। अब एसिटाल्डिहाइड यही सारा मॉलिक्यूल है, सिर्फ हाइड्रोजन को हटा के हमने CH3 लगा दिया है, ये बन गया एसिटाल्डिहाइड। इसके अंदर HCN को हमने ऐड करवाना है, जब HCN को उसी तरह ऐड करवाना है जैसे इसके अंदर ऐड करवाया, H पॉजिटिव CN नेगेटिव, H पॉजिटिव नेगेटिव के साथ यानी O नेगेटिव के साथ अटैच हो जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये इधर से कार्बन का बॉन्ड टूटेगा और CN नेगेटिव इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो कार्बन वही वाला सारा CH3 H O और H OH और CN इधर आ गए, इसको कहेंगे एसिटाल्डिहाइड सियानोहाइड्रेट। आगे यदि तीसरे नंबर पे कीटोन, कीटोन सी कीटोन में भी सारा यही वाला कार्बोक्सिलिक एसिड साथ ही है, लेकिन इसके अंदर जो है CH3 और CH3 दोनों जगह जो है वो CH3 आ जाएगा, तो इसलिए कहेंगे कीटोन। कीटोन के अंदर HCN को ऐड करना है सिर्फ बिल्कुल उसी तरह तरीका, तो इसका जो मॉलिक्यूल है वो एसीटोन बनेगा, एसीटोन सियानोहाइड्रेट, CN की वजह से हर एक के साथ सियानोहाइड्रेट लग जाएगा। तो ये वाला बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा, जब ये वाला बॉन्ड टूट गया तो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो बाकी कार्बन के साथ एक तरफ हाइड्रोजन, नीचे को हाइड्रोजन, ये CN नेगेटिव, CN जो है CN नेगेटिव यानी ये N है, CN जो है अब ये नेगेटिव चार्ज O नेगेटिव के ऊपर आ गया, इससे HCN अकेला आ गया। अब अगला जो है CN, ये जो CN है, अब यही वाला मॉलिक्यूल हमने इधर लिख लिया, इसके अंदर हमने क्या ऐड करवाना है HCN। सबसे पहले कैटालिस्ट का रिएक्शन होगा इसकी इसके साथ, फिर उसके बाद हम HCN को ऐड करवाएंगे। अब HCN क्या होता है, H पॉजिटिव CN नेगेटिव, इसके अंदर इस मॉलिक्यूल के अंदर H पॉजिटिव CN नेगेटिव ऐड करवाया, ये नेगेटिव जो है ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा यानी इसके साथ बॉन्ड बना लेगा
और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, ये पार्शियल नेगेटिव था पहले, अब पूरा नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि पूरा नेगेटिव है। और साथ में कार्बन एक तरफ हाइड्रोजन, दूसरी तरफ भी हाइड्रोजन, ये CN इधर और ये OH एक साइड पे आ गए। ये था दी एडिशन ऑफ HCl। दूसरे नंबर पे है प्रिपेयर लैक्टिक एसिड, कि हम लैक्टिक एसिड को जो है वो कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं इसके अंदर। अब लैक्टिक एसिड को प्रिपेयर करने करने से पहले हमें एक मॉलिक्यूल का नाम पता होना चाहिए, और साथ मॉलिक्यूल भी पता होना चाहिए, वो ये है कि एसीटैल्डिहाइड सायनोहाइड्रिन। एसीटैल्डिहाइड सायनोहाइड्रिन ये हमने कहां से लिया, यही बना, ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल बना है इसी को हमने कन्वर्ट कर दिया है इस शेप के अंदर। सिर्फ स्ट्रक्चर बदला है, पूरा मॉलिक्यूल नहीं बदला। इन तीनों में से हम कोई भी ले सकते हैं, एसीटैल्डिहाइड सायनोहाइड्रिन ले सकते हैं, फॉर्मैल्डिहाइड सायनोहाइड्रिन या एसीटोन सायनोहाइड्रिन। अब हमने लिया है एसीटैल्डिहाइड सायनोहाइड्रिन। अब मॉलिक्यूल ये तो हमने इसे ये कैसे कन्वर्ट किया, ये देखें CH3, ये C और H, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CN, ये OH जो है ये ऊपर को लिख दिया, ये हमारे पास बन गया एसीटैल्डिहाइड सायनोहाइड्रिन। अब लैक्टिक एसिड तैयार करने के लिए हमें इसके अंदर दो मॉलिक्यूल वाटर के और दो और H2SO4 जो है यानी सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करना होगा। ये दो मॉलिक्यूल वाटर के और एक मॉलिक्यूल जो है हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड जो है H2SO4 उसको ऐड करवाया, तो हमारे पास क्या बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH और OH। यहां तक मॉलिक्यूल जो है वो सेम है, ये CN बदला है, CNCOOH के अंदर कैसे बदला, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसकी वजह से सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो CN नेगेटिव के ऊपर आके अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तो ये CN नेगेटिव को कार्बोक्साइल ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर देगा, तो हम CN नेगेटिव की जगह COOH लिख देंगे और यही हमारा लैक्टिक एसिड प्रिपेयर होगा, यही फार्मूला है लैक्टिक एसिड का। अब आगे जो हम एडिशन पढ़ेंगे वो एडिशन पढ़ेंगे सोडियम बाइसल्फाइड की। एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड के अंदर भी हमने यानी एडिशन ऑफ HCN यानी HCN एंटर आया था एल्डिहाइड या कीटोन के अंदर, ऐसे एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड जो है वो हमने ऐड करवाना है एल्डिहाइड या कीटोन के अंदर। अब एल्डिहाइड या कीटोन अगर हाइड्रोजन हो तो उसे कहेंगे एल्डिहाइड, अगर CH3 लगा हो एक साइड पे तो उसे हम क्या देंगे कीटोन। अब हमने ये दोनों यानी H भी हो सकता है CH3 भी हो सकता है, कुछ भी ले सकते हैं दोनों में से, दोनों मॉलिक्यूल में से। अब इसके अंदर हमने ऐड करवाना है सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम होता है Na, बाइसल्फेट का मतलब होता है HSO3, तो ये मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल बन गया NaHSO3। Na के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर भी होता है पॉजिटिव चार्ज, SO3 के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। अब इसको हमने इसके अंदर ऐड कैसे करवाना है क्योंकि एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड है। अब Na को एक, NaSO3 को एक एक साइड पे लिख देना है, हाइड्रोजन अलहदा साइड पे चला जाएगा। अब NaSO3 एक साइड पे लिख दिया, हाइड्रोजन इधर आ गया, ये हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करवाया, इसके साथ अटैच हो गया NaSO3 कार्बन के साथ अटैच हो गया। जब ये अटैक करते हैं हम लोग एक एक बॉन्ड तोड़ देते हैं, इसका एक बॉन्ड टूटा, इसका एक बॉन्ड टूटा, तो दोनों ये इसके साथ अटैच होगा, ये इसके साथ अटैच होगा। अब हमारे पास एडिशन प्रोडक्ट यानी लास्ट जो प्रोडक्ट बना वो हमारे पास ये कार्बन सेंटर में एक साइड पे CH3 और साथ में हाइड्रोजन, फिर नीचे ये वाला हाइड्रोजन, फिर NaSO3 ये इधर आ गया, ये O और H के ऊपर चला गया, ये डबल बॉन्ड था एक बॉन्ड टूट गया, इसके साथ सिंगल बॉन्ड आ गया। ये था कि एडिशन प्रोडक्ट। जैसे हमने इस मॉलिक्यूल सर मॉलिक्यूल के अंदर यानी एडिटोन के अंदर HCN ऐड करवाया, ऐसे इन मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो सोडियम बाइसल्फाइड ऐड कराएंगे। इसका भी मैकेनिज्म पढ़ा, आप इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे। अब इस ये वाला जो मैकेनिज्म है ये इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके अंदर तो हमने कैटलिस्ट को ऐड करवाया था एल्डिहाइड या कीटोन के अंदर, इसके अंदर हम इस मैकेनिज्म के अंदर हम जो हमारे पास रिएजेंट है, ये एक रिएजेंट है, इसको इसकी आयनाइजेशन करेंगे, आयनाइजेशन करके ये टूट जाएगा आयंस के अंदर। आयनाइजेशन का मतलब होता है किसी भी मॉलिक्यूल को आयंस के अंदर तोड़ देना। अब NaHSO3 है, ये कैसे आयनाइजेशन होगी, Na के ऊपर मैंने बताया पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, SO3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये कन्वर्ट होगी आयनाइजेशन आयंस के अंदर कन्वर्ट हो गया मॉलिक्यूल। अब जो है अब हमने जो मॉलिक्यूल यानी एल्डिहाइड या कीटोन जो लेना है हमने, ये एल्डिहाइड या कीटोन इसके अंदर ऐड करवाना है। अब किसके अंदर ऐड करवाना है, NaSO3 के अंदर, H पॉजिटिव को छोड़ देना है, Na पॉजिटिव SO नेगेटिव के अंदर हमने किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन पे ऐड करवाना है। अब ये SO3 को फिर नेगेटिव चार्ज है, अब ये नेगेटिव चार्ज कार्बन एंड कार्बन में हमेशा नेगेटिव चार्ज यानी न्यूक्लियोफाइल है, वो कार्बन एंड कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। अब ये कार्बन के ऊपर अटैक किया तो ये बॉन्ड ऊपर चला गया, शिफ्ट हो गया, तो ये किसके साथ कैसे मॉलिक्यूल का बन गया, कार्बन एक साइड पे CH3 है, SO3 Na एक साइड पे अटैच हो जाएगा, एक साइड पे ये वाला हाइड्रोजन, ये और ये जो ऑक्सीजन के ऊपर, ये जो बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर गया
जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और ये सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव। अब यही मॉलिक्यूल हम लेगा जी इधर, इसके अंदर जब हम हाइड्रोजन ऐड कराएंगे क्योंकि हमारा ओवरऑल प्रोडक्ट इस तरह का बन जाएगा, इस वजह से इसके अंदर एच पॉजिटिव ऐड कराएंगे तो हमारे पास ये OH की कमी है, H की कमी है तो ओ नेगेटिव भी खत्म कर रहे हैं एच भी लाना है। अब एच पॉजिटिव ऐड कराएंगे तो ये ओ के साथ एच आ जाएगा। ये हमारे पास लास्ट प्रोडक्ट, ये इसका मैकेनिज्म था एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फेट, ये आज का लेक्चर था। अगले लेक्चर के अंदर हम दो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एंड डोल कंडेंसेशन और जो दूसरा दो तरह के कंडेंसेशन है वो लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए।